देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। फिरोजाबाद राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जिला स्तरीय युवा संसद का आयोजन सीएलजेन कॉलेज में किया गया, जिसमें कॉलेज के 18 से 25 साल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। बताया गया कि यह कार्यक्रम पूरे देश में अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है, जिसमें देश के बच्चे प्रतिभाग कर अपने मन की बात कह रहे हैं। इसका तात्पर्य, अगर न्यू सांसद 18 से 25 साल का चुनकर जाएगा तो वह किस तरह से देश चलाएगा, किस तरह से अपना कार्य करेगा और देश को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इन विषयों के अलावा युवाओं को अपने मन की बात रखने का मौका देना है। सीएलजेन कॉलेज की बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा साक्षी दिवाकर ने आतंकवाद पर भारत का वैश्विक दृष्टिकोण पर अपनी बात रखी। इस बारे में विस्तार से जानकारी सीएलजेन डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट महावीर जैन, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उदयराज सिंह ने भी जानकारी दी। सर, मेरा नाम साक्षी दिवाकर है, मैं सीएलजेन कॉलेज की छात्रा हूँ, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है आतंकवाद पर भारत द्वारा स्थापित वैश्विक दृष्टिकोण। आतंकवाद हमारे देश की एक गंभीर समस्या है, जिसको समाधान में जितना कार्य किया जाए उतना कम है। लेकिन कुछ लाइनें मैं जरूर बोलूंगी कि आतंकवाद एक शब्द मात्र नहीं है। आतंकवाद मानव जाति के लिए एक गंभीर समस्या बनता जाता है, जो मानव जाति द्वारा ही निर्मित हो रहा है। कोई भी लोग, कोई भी समूह, किसी भी जगह लड़ाई झगड़े कर अपहरण कर चोरी कर दंगे फसाद कर बम ब्लास्ट करते हैं, ये क्या है? ये आतंकवादी तो है। आज आतंकवाद ने हमारे देश को इस प्रकार से जकड़ रखा है कि लाख कोशिशों के बाद भी हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यही मान लो कि भारत, क्योंकि लोग इसको अपने ही नज़रिए से देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज स्वतंत्र सेनानियों को आतंकवादी समझ बैठे, जबकि वो तो अपनी लड़ाई के लिए ही लड़ रहे थे ना। अगस्त 2008 में भी राष्ट्रीय सलाहकार एमके नारायण ने बताया कि आज हमारे देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद बढ़ने के कारण क्या है? हमारे देश में लगातार गन्स, बंदूकें, मशीन, तोपें, हाइड्रोजन बम्स का बनना, आबादी का तेज़ी से बढ़ना, शिक्षा की कमी और बहकावे में आने का मेरा मतलब है कि लोग आज अपने चंद रुपए के लिए अपना ईमान बेचकर अपने देश को असुरक्षित बना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित प्रोग्राम है, जिसमें जो युवा वर्ग है उनके जो मन की बातें हैं उसको उजागर करने के लिए पूरे देश में ये अभियान चलाया गया है और एक मिनी संसद करके ये प्रोग्राम चलाया है, जिसमें जो प्रतिभागी हैं वो अपनी बात कहेंगे और अपनी जो मन की बातें हैं, जो अपना युवा है वो अपनी मन की बात कहेगा। किस तरह के प्रतिभागियों ने भाग लिया है इसमें? ये 18 से 25 साल के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने इसमें भाग लिया है।